और आज मैं कोटा ज़िले के रामगंज मंडी में हूँ। हमारे साथ किसान हैं। सर जी, आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं कालूराम धाकड़ राम मंडी कोटा राजस्थान से हूँ। मेरा ये 1 एकड़ का पोली हाउस है जिसमें एक कीज सीड से लगा हुआ है युक्सेल का। तो कीज वैरायटी आपने लगाया हुआ, अभी आपने बताया आप 5-7 सालों से खेती करते हो, तो ये वैरायटी आपको जितने दिन से आप खेती कर रहे हो, आपका अनुभव क्या है इस वैरायटी के विषय में? 7 साल से मैं पोली हाउस कर रहा हूँ और मैंने 10 तरह का सीड्स लगाया अभी तक जीवन में। और उसमें मेरे को सबसे टॉप मोस्ट और किसानों के हितैषी अगर कोई देखी जाए तो वो कीज वैरायटी नज़र आई है। कीज वैरायटी आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी, अच्छी नहीं बहुत अच्छी। इसका रिजल्ट मेरे सामने है, रिजल्ट आप भी देख सकते हो इसका। जी, तो कीज वैरायटी सर लगाए हैं। अभी कितना उत्पादन आ गया, कब सोइंग किया था सर आपने? मैंने 19 नवंबर को किया था 19 नवंबर को, और 49वें या 50वें दिन यानी 9 या 10 जनवरी को मैंने पहली तुड़ाई करी थी। 50वें दिन। तो अभी टोटल उत्पादन कितना आ गया है? अभी ज्यादा नहीं तो आज 22 फरवरी है शायद, हाँ, तो 30 टन पा रहे हैं अपन। 30 टन का उत्पादन आपने अभी ले लिया है। तो इसमें एक खासियत देखी इसी वैरायटी में मैंने, इसमें सर्दी का मौसम रहा हो या अभी ये गर्मी चालू हुई है, इसमें अगर सुबह माल तोड़ा अपन ने 10 बजे तक, तो मैंने इसमें उस दिन शाम को भी माल निकाला है, पर डे भी निकाला है, पर डे माल निकाला है, तैयार मतलब होता है इसमें ऑटोमेटिक ही, जल्दी रेडी होता है। बहुत जल्दी। अच्छा, तो अगर लाभ के नजरिए से देखा जाए तो इस वैरायटी को आप क्या कहोगे किसान भाइयों मैं के तो यूँ लिए? कहता हूँ, किसानों को अगर कुछ लगाना है तो कीज, और मेरे से गाइडेंस लेनी हो तो मेरे से लें। मैं तो यही कहूंगा किसानों को, अगर फलीफूत करती है कोई कंपनी तो वो कंपनी को छोड़ो, आप तो ये कीज वैरायटी लगाएं खीरे की, और इसका साथ ना रिजल्ट आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी जैसा कि हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे भी कि वैरायटी का परफॉर्मेंस कैसा है, आप देखिए इस तरीके की वैरायटी की हाँ, फ्रूटिंग पूरा मल्टी है तो मल्टी सेटेबल है सर, ये। मल्टी देख लो ना, मल्टी सेटेबल है। आज दिन तक मेरे को चल रहा है, आज दिन तक मेरे को किसी भी कंपनी में ऐसा सेटेबल नजर नहीं आया। मेरे को आज 7 साल हो गए, मैंने 10 तरह का सीड्स लगाया सर, अच्छा, मैं कभी भी सक्सेस नहीं हुआ हूँ, कभी भी इतना प्रोडक्शन नहीं आया। अच्छा है। अगर यही हालात रहे और ऐसा ही चलता रहा और मेरी फसल अच्छी रही, कोई हरी बीमारी से बचती रही, तो आप इसको टनों से तो छोड़ो 70-80 टन पा रहे हैं सर, 70 टन निकाल लेंगे। 70-80 टन पार हैं। अगर इसमें कई प्रकार की प्रकोप, कुदरत का कोई प्रकोप नहीं हुआ, कोई हानि नहीं हुई, कोई बीमारी नहीं आई, तो मेरे हिसाब से सफिशेंट है। तो आप देख सकते हैं ये, हाँ मल्टी है सर ये, ना यार कोई पौधे से पौधा थोड़ी ना मिला रखा है।